हेलो फ्रेंड्स, आज हम दाबा डुंगरी जाएंगे। ये वडोदरा से 45 किलोमीटर्स की दूरी पे है। यहाँ पास में ही महाकाली माता का मंदिर है जो पावागढ़ पर्वत के ऊपर है और वो शक्तिपीठ है। सो लेट्स गो टू दाबा डुंगरी। सो फ्रेंड्स, हम हमारी जर्नी चालू करेंगे गोल्डन चौकड़ी वडोदरा से दाबा डुंगरी हालोल तक। ये पावगढ़ हिल है। पावगढ़ पर्वत और चांपानेर जाने से पहले वेल लेफ्ट में एक रास्ता जाता है और यहाँ पे ढाबा डुंगरी करके एक हिल है जिसके ऊपर शंकर भगवान का मंदिर है। यहाँ से ढाबा डुंगरी का रास्ता जाता है। लेट्स गो टू ढाबा डुंगरी। आप कार काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकते हो ताकि आपको चलने में दिक्कत ना हो। यहाँ से चल के भी जा सकते हो। इस वक्त हम ढाबा डूंगरी पे है। यहाँ शंकर भगवान का मंदिर है जो गुफा में है, गायत्री माता का मंदिर है और यहाँ विश्वामित्री जी ने तप किया था, तो ये बहुत ही पवित्र जगह है। अगर आप पावगढ़ आते हो तो यहाँ जरूर आइए। केदारेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके पास में ही दुर्गा माता जी का भी मंदिर है। अगर ये आप यहाँ 12 से 1:30 बजे के बीच में आते हो दोपहर को तो आपको यहाँ प्रसाद भी मिलेगा। यहाँ विश्वामित्री ऋषि जी ने तप किया था। वडोदरा शहर से जो नदी पसार होती है उसका नाम विश्वामित्री रिवर है, तो महर्षि विश्वामित्री के नाम पे ही वो नदी का नाम रखा गया है। अगर आप बस में या चल के आ रहे हो तो ये रास्ता है जहाँ से आप ऊपर आ सकते हो। यहाँ बहुत शांति है और आपके मन को बहुत सुकून मिलता है। ढाबा डुंगरी हाइट पे होने से आपको आजू बाजू का नज़ारा भी बहुत अच्छी तरह से दिखेगा और यहाँ से पावागढ़ पर्वत सामने ही है।
सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्राइम कोमा।